जी, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, संचालन कर रहे राहुल जी, हरिनंदन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर आरसी साहब, श्री उमेश चंद जी, डॉक्टर शैलन जी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, श्री बिमला श्रीवास्तव, श्रीमती पुष्पा वर्मा जी, श्रीमती सुमन श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम राहुल और हमारे यहाँ के कर्मठ परिश्रमी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, वक्ताओं ने बहुत अच्छा विषय टच किया। आज से 5 साल पहले राज्य की दुर्दशा क्या थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां के कुंडलों से, मां के कान से कुंडल निकाल लिए जाते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता, जंजीर खींच लिया जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता, खेत से ट्रैक्टर उठा लिए जाते थे और घर के सामने से स्कॉर्पियो उठा लिए जाते थे और मेरठ के अंदर 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर फावड़ा भी एक खेत से कोई चोरी नहीं किया है, भैंस तो दूर नहीं, मैं गारंटी से। 5 साल पहले बूढ़े बुजुर्ग घर के बाहर, घर के अंदर खेत पर बैठ जाते थे, केवल पंखा डोलाते थे। थका हारा किसान जब घर में पहुंचता था तो बीबी का शकल भी नहीं देख पाता था और 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद 24 घंटा लाइट देते हैं। अब थका हारा किसान व्यापारी जब घर पहुंचता है रात में तो बिजली के लाइट के जब रोशनी रहती है तो बीबी की शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता है। कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिसके आराध्य 26 साल तक टेंट में रहा हो, दुनिया ऐसी कोई हो सकती है क्या? तूफान में, ठंड में, सर्दी में जिसके आराध्य देव रामलला 26 सालों तक टेंट में, किसके कारण? ये सोनिया के कारण, जिसने हलफना वापिस किया था, हिंदू के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के पक्ष में सपा बसपा ने गोलियां चलाई। आदरणीय, एक चाय बचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना और एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बना, तब जाके प्रभु श्री राम की नींव रखी गई। मित्रों, आज बहुत बड़ा कोई कल्पना कर सकता है? मित्रों, बस आपके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वंदन करता हूं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, बहुत संतों को भी देखा। महाराज जी का पूरा जीवन गांव गरीब किसान के सम्मान के लिए है, बेटियों के सम्मान के लिए है और ये राज्य का एक नौजवान दुनिया और राज्य के देश के किसी कोने में जाए, महाराष्ट्र में जाए, तब भी इस राज्य की प्रशंसा हो। पहले लोग होटल नहीं देते थे, अब तुरंत होटल खोल कर देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये सम्मान किसी ने बढ़ाया है? राजेंद्र योगी। बस आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके चरणों में वंदन कर रहा हूं। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग नाराज होते हैं। देखो, संचालन कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, जान बूझ कर छोड़ दिया, मेरे मोहल्ले में आया, यहीं से मिलकर चला गया यार, मेरे घर भी नहीं आया। ये चुनाव जातिवाद का नहीं है, क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं, परिवारवाद का नहीं, वंशवाद का नहीं चुनाव। मित्रों, ये चुनाव राष्ट्रवाद के है और प्रदेश की प्रगति के लिए, मजबूती के लिए। आपका एक मतदान बेटी को सुरक्षा प्रदान करता है और एक आपका मतदान, हम लोग चाइना में गए थे मित्रों 2004, मैं सपने में सोचा था कि ऐसी सड़कें बनेगी क्या। आज राज्य के अंदर गोरखपुर आइए तो कभी कभी तो भूल जाते हैं रास्ता, हम लोग की पहले आए थे तो क्या था, आज क्या है, ऐसा विकास हुआ है, किसी ने किया है? कारण योगी ने किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा,
लेकिन आप एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को आप वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ऐसा नहीं कि आप जीत रहे हैं और आदरणीय योगी जी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। आप मांगोगे एक घंटा सुबह एक घंटा शाम? पक्का पक्का पक्का? तो कमल खिलाएंगे? पक्का? तो जोर से बोलिए कमल। मैं कहूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा कमल 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 कमल। तो एक घंटा शाम को एक घंटा सुबह अपना बुजुर्ग है तो उसका पैर छू लीजिए, छोटा है तो सम्मान करिए, लेकिन वोट घर घर जरूर मांगिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, दूसरा एक निवेदन और है कि हमारी पोलिंग 90% होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने में रहता हो और देश के किसी कोने में रहता है उसको फोन करके बुलाइए, मेरे इज्जत की सवाल है, इज्जत की बात है, तुम्हें मतदान के दिन आना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के सम्मान के लिए है और महाराज जी के सम्मान की बात है। फोन करके आप बुला लीजिए उसको और मतदान करके चला जाए। किराया देना पड़े तो अपने जेब से किराया दीजिए, लेकिन उसको बुलाइए। मेरे मित्रों में विश्वास, पूरा मुझे विश्वास है, बहुत खतरनाक ये सब है। हम लोग तो देखे, कल मैं गया था हापुड़ में, एक डॉक्टर थी त्यागी, लोग बता रहे थे भाई साहब यहीं से उठा ले गया था इसी हॉस्पिटल से, और आज तक त्यागी, वो 6 महीना 6 साल हो गया पता नहीं चले, 6 साल पहले उठाया था सपा शासन में एक मुस्लिम गुंडा, और आज तक नहीं उठी बेटी। आज महाराज जी को जिस दिन चुनाव जीतेंगे और लखनऊ के अंदर शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं, शाम तक वो सभी छोटे मोटे गुंडे राज छोड़कर भाग जाएंगे। कोई बेटी की तरफ हाथ उठाकर देख नहीं सकता है, किसी व्यापारी की तरफ हाथ उठाकर देख नहीं सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। ये समाज जो आपके सामने बैठा है, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रमाणित भी किया है, क्या समाज जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी होता है, और राष्ट्र के लिए समर्पित, और जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा हम लेकर के निश्चित तौर पर हम उस को पूरा करेंगे और अपने मताधिकार को बढ़ाएंगे। ईमानदारों के लिए लहर है योगी, भ्रष्टाचारियों के लिए जहर है योगी, और अपराधियों के लिए कहर है योगी, ऐसे कर योगी। वर्षों पश्चात रामलला ने प्राचीन प्रतिष्ठा पाई है, सनातन धर्म की आंखों में एक नई रोशनी आई है, राम मग्न है यूपी में, चौवोर खुशहाली छाई है, धरती ही नहीं स्वर्ग से भी योगी जी को मिली बधाई है, ऐसे कर्म योगी हम सभी के आशा के केंद्र। और हम ये व्रत लेकर के जाए, वक्त कम है जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ कुछ को तुम जगा दो, ऐसे कर्म योगी परम पूज्य महंत योगादित्यनाथ जी महाराज, जो हम सभी के आस्था के केंद्र हैं, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई है, निश्चित तौर पर इन 5 वर्षों में गोरखपुर कहां से कहां पहुंच गया। और आप निश्चिंत माने कि पुनः जब महाराज जी 2022 में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, तो गोरखपुर का नाम स्विट्जरलैंड के बराबर लिखा जाएगा। आप ये तय माने, मैं एक बार ऐसे कर्मशील मुख्यमंत्री, हम सभी के आस्था के केंद्र, हम सभी के अभिभावक, परम पूज्य महंत योगादित्यनाथ जी महाराज को मैं सादर पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि आवे और अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभी सिंचित करें। पूज्य महाराज जी, योगादित्यनाथ जिंदाबाद, योगादित्यनाथ जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के आचार्य और अध्यक्ष प्रोफेसर डीके श्रीवास्तव जी, कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजेश सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, महानगर उपाध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आर सी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नंदन श्रीवास्तव जी, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री उमेश चंद श्रीवास्तव जी, एमजीपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव जी, पूर्व प्राचार्य श्रीमती विमला श्रीवास्तव जी, पूर्व प्राचार्य श्रीमती पुष्पा वर्मा जी, श्रीमती सुमन श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के प्रबुद्ध जागरूक मतदाता से जुड़े हुए, चित्रांश परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं कि आप सबने एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ अपने स्वयं की जवाबदेही मानते हुए उत्तर प्रदेश के विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। वैसे भी जो बात यहां पर राहुल जी ने, वैद्य राजीव सिन्हा जी ने, प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि देश के हित में जो काम करेगा, देश और धर्म के हितों का जो संवर्धन करेगा, हम उसके साथ में हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। याद करिए, मैं जब अतीत की ओर देखता हूं, तुम्हारे सामने नाम आता है एक सन्यासी का, स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने वैश्विक मंच पर जाकर के उद्घोष किया था उस कालखंड में जब देश गुलाम था, और उस समय अपनी हिंदू पहचान छुपाने की एक लोगों के मन में एक होती थी कि हम किसी प्रकार से अपने को इस पहचान से दूर रखें, लेकिन उन्होंने उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहने वाला कोई और नहीं था, स्वामी विवेकानंद थे। हम सब भोले नहीं होंगे, इस देश की आजादी के लिए अपना एक अच्छा प्रशासनिक कैरियर छोड़ करके अपने को दांव पर लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरविंद घोष को कौन विस्मृत कर सकता है, देश की स्वाधीनता के आंदोलन को हो या भारत के आध्यात्मिक जगत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का।
इन महापुरुषों ने कभी भी अपने को एक संकीर्ण दायरे में कैद करके नहीं रखा, इसलिए अमर हो गए, हरेक के लिए वंदनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैं प्रयागराज में गया था 2019 में, प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जी कुंभ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, भव्य और दिव्य हो। तो मैं वहां एक एक चीज को स्वयं देखने के लिए निकला था। जब प्रयाग के किले में मैं गया तो मुझे बताया गया कि यहां पे एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने कहा क्या है इसमें, और मैंने कहा यहां किले में, ये तो पुराने समय का किला है, कहां से राष्ट्रपति के लिए कैसे व्यवस्था है। उन्होंने कहा आपको मालूम है कुंभ के साथ साथ हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए यहां पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे। आप सोचिए, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बाद जब भारत के राष्ट्रपति बने, होता है व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके बाद वह अपनों से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को फिर वही छुपाने का प्रयास करता है। और उस समय एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति वहां न जाए, और वह था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लेकर के। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति वहां जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जब ये सरकार का प्रस्ताव पहुंचा, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, सोमनाथ का मंदिर हजारों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए मैं न जाऊं कि वो हिंदुओं का है, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है, मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए थे, इस देश के अंदर लोग मानते थे प्रधानमंत्री के रूप में अपना छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन स्मरणीय बना दिया था शास्त्री जी ने। याद करिए, एक तरफ पाकिस्तान का हमला, 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान उस अवसर की तलाश में था कि भारत को कमजोर करके हम भारत को कैसे परास्त करें, उसने हमला किया। लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में देश तब तक खड़ा हो चुका था, पाकिस्तान को बुरी सिक्कत देने के साथ ही जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। याद करिए, शास्त्री जी कब चले गए, लेकिन नारा अमर हो गया, शास्त्री जी की तरह अमर हो गया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात आई कि हम लोग पहला अपना लॉ यूनिवर्सिटी हमें बनानी है, प्रयागराज में राष्ट्रपति जी आए थे आज से 6 महीने पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, मुझे प्रोटोकॉल के नाते भी वहां रहना था, और राज्य सरकार ने वहां पे एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक ही प्रस्ताव दिया, मैंने कहा देखिए लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा, जमीन लगेगी, सब राज्य सरकार देगी, इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रहना चाहिए। क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं जिया, उनका जीवन देश के लिए था, समाज के लिए था।
देश जब इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा था, तब बिहार के गांव से निकले थे जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए, पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार के आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इस देश का लोकतंत्र बचवाया था। ये जिन महापुरुषों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या इसमें से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में कुछ किया? जो कुछ भी किया देश के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया। और उसी का परिणाम है कि इन महापुरुषों का नाम देश में हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सरकार के नाम लेने देने से नहीं, ये जनमानस के श्वास श्वास में नाम बसते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इन नामों को लेकर के आगे बढ़ता है। और हमेशा हमें, जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे, तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के, उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। जो राम का नाम लेकर के चलता है, ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, वह चाहे वह हनुमान हो या वाल्मीकि हो, यशस्वी हो गए। लेकिन जिसने भी रावण का सानिध्य प्राप्त किया, वो भले ही कहीं पैदा हुआ हो, वह मारीस जैसा व्यक्ति रहा हो या ताड़का और सुरपंखा रही हो, उनको दुर्गति ही प्राप्त करनी पड़ी थी। और इसलिए हमेशा हम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। एक सकारात्मक पहल जो बात यहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश आप सभी प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, इस 5 वर्ष की इस यात्रा में भले ही हमारे 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन तब भी हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज 6 नंबर से लेकर के आज नंबर 2 पर लेके आ गए। देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक टेस्ट, सबसे ज्यादा वैक्सीन, सबसे ज्यादा लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है और जो स्पीड है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का सानिध्य है, उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में आज उत्तर प्रदेश ने जो यात्रा को प्रारंभ किया है, यह अनवरत चलती रहे, उसके लिए सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन, एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आप समझे नहीं हो भारत को। हमारे यहां एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए है। और दोनों जब एक साथ चलेंगे तो स्पीड और कई गुना ज्यादा दिखाई देगी। और आज वही है पश्चिम के अंदर हुआ, नहीं तो आप देखते छोटे छोटे बात को लेकर दंगा होता था, फसाद होता था। मुझे यहां गोरखपुर की एक घटना याद है। एक बार यहां पे संजोग से कायस्त परिवार में श्रीवास्तव जी यहां कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे और एक मोहल्ले में रहते थे, और जिस मोहल्ले में रहते थे
तो उससे पहले एक दिन एक विवाद हुआ था, 3-4 दिन पहले। हम लोगों ने बहुत उस समय बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, तो वो मेरे पास आए थे मुझे सुबह सुबह बोलने के लिए। कहा साहब इस चक्कर में क्यों पढ़ते हैं, सब लोगों को जीने दो, कहा ही बेकार सब करो। मैंने कहा हम कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने किया था, हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया, हमने कार्रवाई करवाई है, कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं सांसद था यहाँ का। खैर मैंने उनकी बात सुनी, तो ठीक अगले दिन सुबह सुबह 3 बजे मंदिर में पूजा शुरू होने वाली थी, उनका फोन संजोग फोन मैंने ही उठाया। उन्होंने कहा मैं फलाना व्यक्ति बोल रहा हूं। मैंने कहा बताएं बताएं आप क्या है। कहा हमारे घर में हमला हो गया, हो रहा है। मैं कहा हमला कहा, हां तो मैंने कहा कौन लोग हैं। मैंने कहा कोई गुंडे हैं, अपराधी हैं क्या। कहा नहीं नहीं उस मुक्त किया था, अपराध से मुक्त किया था, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसका परिणाम था गोरखपुर के बारे में धारणा ही बदली, लोगों ने विकास की तरफ सोचना प्रारंभ किया। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहे हैं, 4 विश्वविद्यालय वाला जिला गोरखपुर है, एम्स गोरखपुर में है, गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे हर बड़े महानगर के लिए हो गई है, हर ओर से 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की सड़क मार्ग से भी हो चुकी है, पर्यटन की जिससे ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ रही है। ये केवल विकास नहीं है, ये यहां के युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन कर रहा है, अनेक नौजवान इस रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। और रोजगार से भी महत्वपूर्ण है, उसके सामने जो पहचान का संकट था वह उससे उभर चुका है, अब वो कहीं जाएगा लोग एक बार तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे, जो पहले लोग सोचते गोरखपुर, यानी ऐसा खोप लोगों के मन में होता था गोरखपुर के नाम पे कि उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में रुकने नहीं देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर के नाम पर आप कहीं जाएंगे लोग बड़े गर्व के साथ कहेंगे अच्छा गोरखपुर से, हाँ आइए भैया, जरूर बोले का है। उस छवि को हम लोगों ने बदला है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को अपने सामने कहीं भी अपनी पहचान को छुपाने की नौबत ना आने पाए, यह महत्वपूर्ण होता है, और उससे उभार करके उसको एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, सेंट्रल यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये दोनों डबल इंजन की तरह काम किए, एक साथ मिलकर के काम किए हैं। पहले क्या होता था, सिफाई महोत्सव होता था, उसमें न राग था न रंग था न भाव थी न भाषा थी, सिफाई वालों की समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम करते हैं, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को पहचान दिलाई जाती है, वन एक जनपद एक उत्पाद की योजना। ये एक जनपद एक उत्पाद में क्या अंतर महसूस किया, इसने उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित किया है। 1,21,000 करोड़ रुपए का हम यहां का प्रोडक्ट हर वर्ष यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ता है। आज हम यहां पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ जब अयोध्या के साथ कार्यक्रम करते हैं, तो हर वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या के साथ जुड़ता है, दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या के साथ जुड़ता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने अयोध्या की दीपावली के दिन जो अभिभूत न हुआ हो, जब मथुरा वृंदावन का रंगोत्सव मनाया जाता है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उसके साथ अपने भाव न जोड़ता हो, जब काशी का देव दीपावली आता है, हम लोगों ने उस महोत्सव को उसके साथ जोड़ा है। हमने महोत्सव को केवल अपने स्वयं की तुष्टि का माध्यम नहीं बनने दिया, प्रदेश को हमारे जनपद को एक पहचान मिले, उससे फर्क यही है। वे अपराधियों को संरक्षण देते थे, हम अपराधियों से कायदे से निपटने का काम कर रहे हैं।
वे जनता की योजनाओं में लूट खसोट करते थे, हम जनता को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वे अपने परिवार के लिए जीते थे, हम समाज और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। और इसी जीने में अंतर है, इसी कार्य पद्धति में अंतर है, और इसी फर्क के साथ जनता के बीच में देना है। गोरखपुर महानगर के अंदर मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 5 साल में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे। कितना? 18,000। और भाइयों बहनों, अकेले गोरखपुर महानगर में हम लोगों ने गोरखपुर महानगर के अंदर 32,000 मकान इस दौरान 5 वर्ष में बनाए हैं गोरखपुर महानगर के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर मैं गिनूंगा तो यह संख्या है 45,50,000 से अधिक। कोई तुलना है? 18,000 एक तरफ है और 45,50,000 दूसरी तरफ है। सरकार वही, नाम वही, चेहरे बदले, तंत्र वही, प्रदेश वही, और कार्य में कितना गुना अंतर आ गया। पहले बिजली नहीं मिलती थी गोरखपुर में, हम तो सड़कों पे आंदोलन करते थे, और सपा बसपा की चलती ना तो गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहिया इस पे होता तो इसको निकाल करके भी लेके चले गए गोरखपुर से, ये भी नहीं बसता। जर्जर था, बंद कब हो जाए? डॉक्टर यहां पे हमारे श्रीवास्तव जी यहां पर बैठे हुए हैं, यानी कब बंद हो जाए? डॉक्टर डीके श्रीवास्तव इसके उदाहरण है। कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई वो नहीं था। लेकिन आज यही बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, कोरोना कालखंड में हजारों लोगों के जीवन को बचाया है, हजारों लोगों के जीवन को बचाया है। नया सुप्रसिद्ध ब्लॉक बन चुका है, इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले 1.5 से 2 हजार बच्चों की जान को बचाया है हर वर्ष। आज मौत जीरो पे आ गया है, जीरो पे। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, जो काम 50 वर्ष में नहीं हो पाया 5 वर्ष के अंदर कर दिया गया। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये सुरक्षा का, ये विकास का, गरीब कल्याण का, ये कार्य थमना नहीं चाहिए, ये स्पीड और अच्छे ढंग से आगे बढ़नी चाहिए। इस दिशा में एक राष्ट्रीय सोच की सरकार इस प्रदेश के अंदर रहनी ही चाहिए, ये आगे बढ़नी ही चाहिए। यह हर एक जागरूक मतदाता का दायित्व बनता है, और उस जागरूकता के अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज आप सबने यह कार्यक्रम किया है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और खास तौर पर जो भी हमारे यहां पर मेरे ज्यादातर परिचित हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। आयोजन मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड और अलग अलग क्षेत्रों में भी आयोजित करते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के साथ जोड़े, क्योंकि जब जनता आगे होती है, समाज आगे होता है, सरकार पीछे होती है, तो वह सही नेतृत्व होता है, तब दिशा सही होती है, वो स्वावलंबन का नेतृत्व होता है, स्वतस्फूर्त भाव के साथ चलने वाला नेतृत्व होता है। और मैं चाहता हूं कि चुनाव समाज आगे चले, पार्टियां पीछे उसको फॉलो करें। समाज आगे चले, बताएं ये मुद्दे थे, इन मुद्दों पर ये खड़े उतरे हैं, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखना, एकदम लोकतंत्र की भावना जीवंत तो होती हुई दिखाई देगी, और उस जीवंतता के लिए आप सभी लोग लगेंगे इस विश्वास के साथ, प्राण प्राण से एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप लोगों से मैं समय समय पर संवाद बनाऊंगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। महाराज जी आप निश्चित रहे, यहाँ पे जितने हमारे ये सब सारे लोग, पूरे समाज के लोग बैठे हैं, निश्चित
बिल्कुल पीछे रही।